दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने पिछले कुछ समय में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरीके की फिल्में दी हैं, उन्होंने खिलाड़ी कुमार के आने वाली फिल्मों के प्रति एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है। एक समय था जब अक्षय कुमार को 100 करोड़ के क्लब का कलाकार माना जाता था, लेकिन अब ट्रेड एक्सपर्ट यह बात कहने में झिझकते नहीं हैं कि अक्षय कुमार आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाते हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उन पर बड़ा दाव लगाने से नहीं डर रहे। इसका सबसे शानदार उदाहरण है अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वी राज चौहान। जी हाँ दोस्तों, इसे यशराज बैनर तले बनाया जा रहा है। अक्षय कुमार की पृथ्वी राज को यशराज बहुत बड़े बजट में बना रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक में अक्षय कुमार, संजय दत्त, मनोज छिल्लर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में होंगे, यह तो हर कोई जानता है। लेकिन ताज़ा खबरों की माने तो इस फिल्म के अंदर दो और लोगों की एंट्री हुई है। सोनू सूद और आशुतोष राणा की इस फिल्म के अंदर शानदार एंट्री हुई। सूत्रों के अनुसार सोनू सूद फिल्म के अंदर पृथ्वीराज के चंद्र बरदाई का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, और जो पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, वहीं चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी की हत्या करने में मदद की थी। वहीं सोनू सूद को दर्शकों ने आखिरी बार रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा में खलनायक की भूमिका में देखा था। हालांकि पृथ्वीराज में वो एक पॉजिटिव किरदार निभाते दिखेंगे। आपको बताते चले कि पृथ्वीराज में मानव विज यानी कि खलनायक मोहम्मद गौरी के किरदार में वो नजर आएंगे। वही मानव विज एक मंझे हुए कलाकार हैं, जिस कारण फिल्म पृथ्वीराज में इतनी अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि मोहम्मद गौरी के किरदार को बाकी ऐतिहासिक फिल्मों के खलनायकों से अलग पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनू सूद और मानव विज ने फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग शुरू कर दी है। जल्दी आपको इस फिल्म से और भी फर्स्ट लुक्स देखने को मिलेंगे। कितने एक्साइटेड हैं आप फिल्म के लिए, हमें कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देखो देखो को, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।